नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संजय हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट चैनल। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हायरार्की इन किचन डिपार्टमेंट। किचन डिपार्टमेंट बॉस डिपार्टमेंट है एंड यू नीड टू स्ट्रगल अ लॉट टू गेट द पोजीशन। आपको ऊपर एग्जीक्यूटिव शेफ लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, बट यू हैव अ प्रॉस्परस फ्यूचर, यू हैव अ लग्जरी फ्यूचर अगर आप किचन के साथ जुड़ते हो। फर्स्ट स्टार्टिंग में किचन, आप जब होटल मैनेजमेंट आपने कर लिया है, मास्टर डिग्री आप एमटी या एचओडी कर लेते हो, आपको होटल मैनेजमेंट में हो सकता है आप बेटर पोजीशन में पहुंचो। लेकिन किचन में स्टार्टिंग में जो फेस लेवल है कॉमी वन से शुरू होता है, कॉमी वन, कॉमी टू, कॉमी थ्री, देन डीसीडीपी, देन सीडीपी जिसको बोलते हैं, देवी सेफ द पार्टी बोलते हैं, सेफ द पार्टी बोलते हैं, उसके बाद जूनियर सू सेफ, उसके बाद सू सेफ, then you reach up to the executive chef level। और किचन में you have a different specialization, जैसा किसी को क्वान्टी करना है, किसी को चाइनीज संभालना है, किसी को इंडियन संभालना है, किसी को तंदूर का स्पेशलाइजेशन करना है। बट किचन का जो स्टार्टिंग फेज आप कॉमी वन लेवल पे, कॉमी टू, कॉमी थ्री पे, कॉमी वन से लेके कॉमी टू तक यू विल बी मोस्टली doing like peeling of onions, peeling of eggs or chopping वगैरह, ये सब काम के लिए आपको यूज किया जाता है। लेकिन once you complete this all training phase और आपको एज अ एग्जीक्यूटिव शेफ पहुँचने के लिए depends upon property to property, किसी को 12 साल लग जाता है अगर छोटी प्रॉपर्टी में है, तो बड़ी प्रॉपर्टी में है तो इट विल टेक अराउंड 18 years, 19 years। और किचन के बेनिफिट्स यही है कि आप अपना रेसिपीज लिख सकते हो, आप अपना रेसिपीज बना सकते हो, अगर कोई डिश आपका फेमस हो गया सो यू विल बी एट द सेलिब्रिटी लेवल। सो मोस्ट प्रोबेबली इन कमिंग टाइम आई विल टेक अ इंटरव्यू ऑफ वन ऑफ द रिनाउंड शेफ, जिसको सेफ बाली बोलते हैं, उनका मैं इंटरव्यू लूँगा। सो दैट टाइम आप समझोगे कि क्या चीज़ होता है। सो किचन में फ्यूचर है, यू कैन स्टार्ट लाइक आफ्टर यू गेन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, यू कैन स्टार्ट इवन योर कुकिंग चैनल्स, इवन लाइक क्रू ज्वाइन कर सकते हो किचन के बाद में। सो ये शॉर्ट वीडियो था किचन का हायरार्की के ऊपर में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए संजय हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट चैनल को।